गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज फिर लेकर हाजिर हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, चैप्टर सेकंड, प्रोसेस फंक्शंस एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक इज मैनेजरियल लेवल। प्रत्येक संस्था में मैनेजर्स होते हैं, उन मैनेजर्स का अलग अलग लेवल होता है। बेसिकली हमने मैनेजर्स को तीन भागों में बांट रखा है, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर और लो लेवल मैनेजर या फर्स्ट लाइन मैनेजर या सुपरवाइजरी मैनेजर। ऐसा क्यों कर रखा है? बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ हायरार्की सिस्टम। हायरार्की सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हायरार्की सिस्टम एक मैनेजमेंट का पार्ट है, एक सिस्टम है जिसमें जो मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी और अदर पर्सनस हैं जो फर्म में काम करते हैं, उनका एक फिक्स लेवल तय किया जाता है ताकि उन्हें ये पता रहे कि हु इज़ द सीनियर एंड हु इज़ द जूनियर, कौन तो सबॉर्डिनेट्स हैं और कौन उसका मैनेजर है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस ट्राइंगल की ओर। यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा और ये ट्राइंगल है, बच्चों ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल फर्म के अंदर मैनेजर जो है उन मैनेजर्स के लेवल को दिखाता है, शो करता है कि एक फर्म के अंदर तीन तरह के मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, एक फर्म के अंदर तीन तरह के मैनेजर होते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जो बात की, सबसे पहला जो ये पार्ट है, ये जो डिब्बा दिख रहा है हमें, ट्रायंगल का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब ट्राइंगल का ये पार्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैं ये बात भी करूँगा कि हमने ट्राइंगल ही क्यों बनाया, हमने एक रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाया। हाँ, हमने इसको अदर शेप क्यों नहीं दिया, ठीक है वो बात भी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि मैनेजमेंट के लेवल को तीन भागों में बांट दिया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि इसको ट्रायंगल शेप ही क्यों दिया, क्योंकि ट्रायंगल शेप में अगर हम बात करते हैं तो ये जो पार्ट है सबसे छोटा पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है थोड़ा सा बड़ा है और ये पार्ट सबसे बड़ा है। एक फर्म के अंदर अगर हम मैनेजर्स की बात करेंगे तो टॉप लेवल मैनेजर आपको सबसे कम नजर आएंगे, मिडिल लेवल मैनेजर थोड़े उससे ज़्यादा नजर आएंगे और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, लो लेवल मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजरी लेवल जो मैनेजर्स हैं, उनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी। और इन सबको हम क्वांटिटी के बेस पे सबसे अच्छा जो शो अप कर सकते हैं वो ट्राइंगल के द्वारा कर सकते हैं, इसलिए इसको एक पिरामिड के रूप में या ट्राइंगल के रूप में लेवल को शो किया जाता है। चलते हैं, तीन तरह के लेवल। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इस टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन पर्सन आते हैं, कौन कौन व्यक्ति इस टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो देखिए, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूडेशन की बात करते हैं, इंक्लूड की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD। ठीक है, जो डायरेक्टर्स जो हैं फर्म के, जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, बोर्ड मीटिंग के जो डायरेक्टर हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। तो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। दूसरा हमने बात की इसमें और कौन शामिल होता है, तो इसमें शामिल होते हैं चेयरमैन, फर्म के जो चेयरमैन हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद में आता है चेयरमैन, उसके बाद में आता है MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो भी इसी का पार्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। फिर उसके बाद हमने बात की जनरल मैनेजर, जिसे कहते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है वो भी इसमें शामिल होता है और आगे है सेक्रेटरी। तो ये मैंने आपको पांच नाम लिख के बताए, ठीक है,
ये सभी नाम किस में शामिल होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये सभी पर्सन हैं जो किस में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। किसी जगह पर आपको बीओडी नजर आएगा, कहीं आपको चेयरमैन नजर आएंगे, कहीं हो सकता है आपको एमडी नजर आ जाए, कहीं जनरल मैनेजर नजर आए, कहीं सेक्रेटरी नजर आए। तो बात ये कर रहा है ये सभी किसका पार्ट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। अब बात करते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के ये पार्ट है तो इनके कुछ फंक्शंस भी होंगे। ये काम क्या करते हैं, तो ये जो काम करता है ये काम क्या है इनका, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है पॉलिसी फॉर्मेशन, संस्था के लिए नीतियां तैयार करना, संस्था को किस बेस पे काम करना है उस बेस के लिए उसकी जो पॉलिसीज हैं, और पॉलिसी फॉर्मेशन का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। उसके बाद में है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स का डिटर्मिनेशन की बात करें, उद्देश्यों के निर्धारण की बात करें, तो उद्देश्यों का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, उद्देश्यों का निर्धारण भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। उद्देश्य, अब उद्देश्य भी अलग अलग तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म। सबसे अगर हम बात करें कि इनमें से कौन से उद्देश्य की यहाँ पर तय किया जाता है, कौन से उद्देश्य का डिटर्मिनेशन किया जाता है, तो ध्यान रखना मोर देन लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका डिटर्मिनेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट में किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है रिसोर्सेज, तो देखो रिसोर्सेज की बात करते हैं कि संस्था के लिए जो आवश्यक संसाधन है उन आवश्यक संसाधन की व्यवस्था कौन करता है, उन आवश्यक संसाधन की व्यवस्था भी टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं, संस्था के जो डायरेक्टर्स होते हैं, संस्था के जो सीईओ होते हैं, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बजट, फर्म के लिए जो फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर करने के लिए जो बजट की नीड होती है उस बजट की रिक्वायरमेंट को भी कौन पूरी करता है, उस बजट की रिक्वायरमेंट को भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरी करता है। बजट कितना बनेगा, कितना बनाना है बजट, बजट की कितनी नीड है, ठीक है, ये भी डिटर्मिनेशन कौन करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उन ऑफिसर्स की अपॉइंटिंग भी कौन करता है, उन अपॉइंटिंग भी टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। आगे है ओपिनियन, मंशा, जो लोगों की मंशा जानना और अपनी ओपिनियन देना, लोगों के ओपिनियन को जानना और अपनी ओपिनियन देना, ये काम भी किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल और फर्स्ट लेवल के माध्यम से पब्लिक की ओपिनियन को तो जानता है और अपनी ओपिनियन को आगे तक पहुंचाता है, तो ओपिनियन। उसके बाद में डायरेक्शन, लोगों को अपना जो पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी को आगे मिडिल लेवल और फर्स्ट लेवल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है, तो डायरेक्शन देता है लोगों की, तुम्हें अपनी पॉलिसी को समझाता है कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है, पूरा एक स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं वो डायरेक्शन है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, प्लानिंग को लेकर कई बार कन्फ्यूजिंग कई बच्चों के माइंड में आता है कि सर प्लानिंग जो है, प्लानिंग कौन से लेवल पर बनेगी, ठीक है, प्लानिंग यहाँ भी बनती है, प्लानिंग यहाँ भी बनती है, प्लानिंग यहाँ भी बनती है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, आरपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग जो है वो प्लानिंग किसके द्वारा की जाती है, तो देखिए प्लानिंग वैसे तो पार्ट टॉप लेवल, मिडिल लेवल और फर्स्ट लेवल तीनों लेवल का काम है प्लानिंग करना, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जो लंबे समय के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो लंबे समय के लिए प्लानिंग किसके द्वारा की जाती है, टॉप लेवल के द्वारा, और मेन जो मुख्य जो प्लानिंग की जाती है वो मुख्य प्लानिंग भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन का प्रकार, आगे चैप्टर्स आपके आएंगे उसमें आप पढ़ोगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कई तरह की टाइप्स होते हैं, डिविजनल है, ठीक है, आपके फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, तो किस तरह का आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपनाना है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइप्स है उसका भी डिटर्मिनेशन यहीं से होता है कि किस तरह का आपको संगठन का ढांचा तैयार करना है, किस प्रकार से आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन रखना है। फिर बात करते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लंबे समय तक संस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी टॉप लेवल मैनेजर्स के ऊपर होती है, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी लॉन्ग टर्म तक संस्था, लंबे समय तक संस्था को कैसे बनाए रखना है, इसके लिए जो वर्कआउट जो करना है वो भी कौन करते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स ही करते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन व्यक्ति आते हैं, तो मिडिल लेवल में जो मैनेजमेंट में जो व्यक्ति आते हैं उनमें से आते हैं, देखिए इनमें से ज्यादातर डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, जैसे प्लांटेशन हेड, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर,
ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और रीजनल मैनेजर्स, तो इसमें ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बन जाता है, ठीक है। उन डिपार्टमेंट्स की पर्टिकुलर जो मैनेज जो डिपार्टमेंट बन गए, ठीक है, उन डिपार्टमेंट्स की जो हेड है, ठीक है, ये मार्केटिंग का हो गया, ठीक है, ये आपके सेल्स का हो गया, ये आपके रीजनल हो गया। तो इस तरह से अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के हेड जो हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स में आते हैं। तो यहां पर खूब सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और खूब सारे मैनेजर्स मिड में होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इन मिडिल लेवल मैनेजर जो है, इन मिडिल लेवल मैनेजर का काम क्या है, वर्कआउट क्या है, इनका फंक्शंस क्या है। तो आइए इनकी देखते हैं कि सबसे पहला है एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ पॉलिसी। इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को समझना और उसको आगे फॉरवर्ड करना, अपने डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेबल करना, अपने डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट करना, उसको लागू करना, ठीक है। दूसरी चीज है प्रोवाइड कॉर्पोरेशंस, लोगों को सहयोग देना। सहयोग किस किस के बीच में? इनका मेन काम होता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन टॉप लेवल एंड फर्स्ट लेवल, क्योंकि मिडिल में है तो फर्स्ट लेवल जो मैनेजर्स हैं और टॉप लेवल जो मैनेजर हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना और दोनों को कोऑपरेट करना, ये किसका काम है? मिडिल लेवल मैनेजर का। उसके बाद में है मोटिवेशन। अब बच्चों मोटिवेशन किसको देंगे? ये मोटिवेशन टॉप लेवल को तो दे नहीं सकते, मोटिवेशन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर दिया जाता है, ठीक है। तो मोटिवेशन की बात करेंगे तो ये मोटिवेशन जो है वो फर्स्ट लाइन और लो लेवल मैनेजमेंट को मोटिवेशन देंगे, ठीक है, ताकि वो बेटर टू बेटर वर्क कर सके। आगे की बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। देखिए जहां भी दो या दो से अधिक व्यक्ति काम करते हैं वहां पे डिस्प्यूट होना एक कॉमन सी बात है, और जहां भी डिस्प्यूट होंगे तो उस डिस्प्यूट का सोल्यूशन भी होगा, और इस डिस्प्यूट का सोल्यूशन का जो काम है वो किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। ये डिस्प्यूट को कोशिश करते हैं 101% कि यहां तक सोल्यूशन हो जाए। 0.1% कोई कह सकते हैं कि बाई चांस कभी कोई डिस्प्यूट होता है जो आगे तक पहुंचता है, अदरवाइज मैक्सिमम डिस्प्यूट्स को यहां पर सोल्व आउट कर लिया जाता है। आगे है रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। तो मार्केट बेस पे जो रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन होता है इनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है, और उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो रिसर्च करने का काम है, जो इन्वेस्टिगेशन का जो काम है, वो काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। तो हमने पढ़ा कि टॉप लेवल में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, मिडिल लेवल में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लाइन और लो लेवल मैनेजमेंट, जिनकी संख्या में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी संस्था में होती है, और बात करते हैं इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच ऑपरेटिंग मैनेजर। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट थे और डिपार्टमेंट का भी एक छोटा भाग जिसे हम ब्रांच कहते हैं, ठीक है, तो उस ब्रांच का भी एक मैनेजर होता है, और वो मैनेजर इंक्लूड होगा, वो होगा फर्स्ट लाइन मैनेजर के अंदर। तो ब्रांच ऑपरेटिंग मैनेजर है, चीफ सुपरवाइजर है, हेड क्लर्क है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, आपके हेड क्लर्क है, इंस्पेक्टर है, अकाउंटेंट है, फॉरमैन है, ये सभी व्यक्ति शामिल होंगे फर्स्ट लाइन या लो लेवल मैनेजमेंट के अंदर। और इनका जो काम है, इनका काम क्या है? तो सबसे पहले है प्रिपेयर ऑपरेशनल प्लान, काम कैसे करना है, लोगों से काम कैसे करवाना है। इनके अंडर में एम्प्लॉयज होंगे, इनके अंडर में कौन होंगे? एम्प्लॉयज। तो उन एम्प्लॉयज से काम कैसे करवाना है, उनको कैसे ऑपरेट करना है, उनके लिए कैसे प्लानिंग बनानी है, तो ये सारा काम किसका होता है? फर्स्ट लाइन का। जैसे प्रिपेयर ऑपरेशनल प्लान, ये प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। आगे है इंस्पेक्ट द वर्क, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज के काम को देखना कि वो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हें जो जिम्मेदारी, उन्हें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, उनको जो ट्रेनिंग दी गई है उस ट्रेनिंग के अनुसार वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनके काम को इंस्पेक्ट करना, सुपरवाइज करना, ये काम किसका है? ये काम है फर्स्ट लेवल मैनेजर का। एडवाइस एंड गाइड टू एम्प्लॉयज, जब एम्प्लॉयज काम करेंगे नो डाउट देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स। जब भी एम्प्लॉयज काम करेंगे, कोई भी व्यक्ति काम करता है तो काम के दौरान परेशानी आना या प्रॉब्लम आना एक स्वाभाविक सी चीज है, तो उनकी जो समस्या है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन जो किया जाएगा वो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर के, क्योंकि ये तो टॉप लेवल मैनेजर है, इनको तो पता ही नहीं कि कौन कौन एम्प्लॉयज क्या क्या काम कर रहा है, और यहाँ तक तो इनका पहुँचना हो ही नहीं पाता,
ठीक है, डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट में होता है, डायरेक्ट स्तर पर जो जुड़े होते हैं वो होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर, ठीक है, और फर्स्ट लाइन जो मैनेजर है वो ही एम्प्लॉयज के सीधे संपर्क में होने के कारण उनकी समस्याओं का बहुत अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से समाधान कर पाते हैं। असाइन वर्कलोड टू एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज को वर्क असाइन करना, उन्हें ये बताना कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसका क्या काम करना है, किसका क्या काम नहीं करना है, ठीक है। तो उनको वर्कलोड असाइन करना भी किसका काम है, उनको वर्कलोड असाइन करना भी फर्स्ट लाइन मैनेजर का काम है, ठीक है। इनकी संख्या ज़्यादा होती है और इनके संपर्क में एम्प्लॉयज होते हैं, और एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करना, एम्प्लॉयज को हैंडल करना, एम्प्लॉयज की समस्या का डिस्प्यूट, एम्प्लॉयज की समस्या का समाधान करना, और कलेक्टिंग इंफॉर्मेशंस फ्रॉम मार्केट, मार्केट से जो इंफॉर्मेशंस हैं उन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना, ये भी किसका काम है, फर्स्ट लाइन मैनेजर का। ये मार्केट से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्ट इंफॉर्मेशन को, उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को मिडिल लेवल को देते हैं, और मिडिल लेवल वाले उस पर रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसको फिर आगे सौंपते हैं। फर्स्ट टॉप लेवल वाले प्लान तैयार करते हैं, पॉलिसी तैयार करते हैं, उस पॉलिसी को मिडिल वाले को समझाते हैं, मिडिल वाले उसको आगे फर्स्ट लाइन को देते हैं, और फर्स्ट लाइन वाले जो हैं उसको एम्प्लॉयज के ऊपर एप्लीकेबल करते हैं, उनके ऊपर लागू करते हैं। तो आज हमने बात की मैनेजर्स लेवल, मैनेजरियल लेवल के बारे में। मैनेजरियल लेवल तीन प्रकार का पड़ा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। उनके कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, उन पर्सन को देखा, और उसमें उनकी क्या क्या कार्य है, उनकी क्या क्या फंक्शंस है, उन फंक्शंस को देखा और समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।